कृषि मंत्री ने किया केला तना रेशा उत्पादन एवं दाल प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ। ग्राम राखी व भैंसा मुंडा में गौठान मेला सह कृषक संगोष्ठी आयोजित। प्रदेश के कृषि विकास एवं कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन एवं आयकट मंत्री रविन्द्र चौबे ने बेमेतरा जिले के विकास खंड साजा के गौठान ग्राम राखी में गौठान मेला सह कृषक संगोष्ठी एवं केला तना रेशा उत्पादन इकाई एवं गौठान ग्राम भैंसा मुंडा में दाल प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण किया। केला तना रेशा उत्पादन इकाई की लागत 10,05,000 रुपये एवं दाल प्रसंस्करण इकाई की लागत 8,45,000 रुपये शामिल है। ग्राम राखी में समूहों के लिए कृषि उत्पाद हेतु वर्किंग शेड निर्माण हेतु लागत 6,37,000 रुपये एवं भैंसा मुंडा में समूहों के लिए कृषि उत्पाद हेतु वर्किंग शेड निर्माण हेतु लगभग लागत 5,18,000 रुपये है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर डॉक्टर SS सेंगर द्वारा किया गया। कृषि मंत्री चौबे ने कहा कि ग्राम राखी एवं भैंसा मुंडा में एक नए कार्य की शुरुआत हुई है। गौठान में छोटे उद्योग के रूप में काम शुरू करा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिले में सी मार्ट की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कुटीर उद्योगों से निर्मित वस्तुओं की बिक्री की जाएगी, जिससे महिला स्व सहायता समूह आत्मनिर्भर बन सके और उनकी आमदनी में इजाफा हो। उन्होंने कहा कि राखी में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा केला तना रेशा से उत्पादन एवं भैंसा मुंडा में दाल प्रसंस्करण इकाई संचालित की जा रही है। बिक्री की कोई समस्या नहीं आएगी। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना में दाल की खपत होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि गौठान में तेल पेरई मशीन भी स्थापित की जाएगी, जिसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिल सकेगा। केला के तने से जो पानी निकल रहा है उसे खाद्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गौठानों को आजीविका का केंद्र बनाने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गौठानों में वृहद पैमाने पर आयमूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। गौठानों में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जा रहे गोबर से कॉम्पोस्ट खाद बनाने के साथ ही अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय को गति देने के लिए अब गौठानों में कृषि एवं लघु वनोपज के प्रसंस्करण की इकाइयों भी तेजी से स्थापित की जा रही है। चौबे ने किसानों से वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर फसलों के उत्पादन बढ़ाने की अपील की। गौठान में गोधन न्याय मिशन के तहत हम पूरे छत्तीसगढ़ के 11,000 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहे हैं। तो उसकी शुरुआत केले के रेशे से कपड़ा बनाने का छोटा इंडस्ट्री यहाँ हमारी महिला समूह की बहनों के लिए उसका इनॉग्रेशन करने आया था। और सौभाग्य है कि अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत की है स्वराजी गांव योजना के रूप में, और उसमें उन्होंने निर्णय लिया है हम अपने गौठान को रोजगार का केंद्र बनाएंगे, उत्पाद का केंद्र बनाएंगे, कुटीर उद्योग हम वहां लगाएंगे। उसकी शुरुआत आज हमारे राखी की इस गौठान से हो रहा है। मैं आप सबको